ऑपरेशन वाइट वॉश, जिसको लेकर पाकिस्तान ने हमें कई बार इंटरनेशनल लेवल पर टारगेट करा है। और उस पूरी पाकिस्तान की मुहिम में जो सबसे पोस्टर वेपन निकल के आया था वो था हमारा काली थाउजेंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि काली थाउजेंड के स्पेक्स, कैपेबिलिटीज और वर्किंग किस प्रकार से है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काली थाउजेंड जो है या पूरा का पूरा काली प्रोग्राम है वो ऑपरेशन वाइट वॉश में किस तरह से यूज हुआ। और पार्लियामेंट में जब 2014 में इसकी इन्फॉर्मेशन पूछी थी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान किस प्रकार था। तो मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मेरा टारगेट है 20 लाइक्स का। ये कोई आपके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो प्लीज़ इसको जरूर पूरा करके जाइएगा। आप पूरी वीडियो देखिए, आप इंजॉय करिए, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो देन लाइक इट, ओके। तो बात करते हैं काली के बारे में। काली का जो नेम सेक है वो लिया गया है गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी काली माता के नाम पर। और इस काली की फुल फॉर्म होती है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। जैसा कि हमें इसके नाम से लगता है, ये 1000 एम्पियर को एक लीनियर डायरेक्शन में इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करता है। आप देखिए, जो हमारे इंजेक्शन में अगर हम नॉर्मल वाटर भरते हैं तो जिस तरह से हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो लीनियर डायरेक्शन होती है, तो इसका भी मेन काम उसी तरह से है। तो काली की रेंज क्या है? काली का जो रेंज है वो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो स्पेस में जो सैटेलाइट चल रही होती हैं उसको भी टारगेट करके टेक डाउन कर सकता है, क्योंकि इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल में जब कोई वर्क कर रहा है तो उसकी रेंज जो है अप्रॉक्स इन्फिनिटी के इक्वल रहती है। तो काली की स्पीड क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो काली प्रोग्राम है इसकी जो स्पीड है वो है 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, विच इज इवन हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अब बात करते हैं जो हमारा काली प्रोग्राम है ये लेजर वेपन से किस तरह से अलग है। जब आप देखिए, जो लेजर वेपन होते हैं उनका मेन काम होता है किसी भी ऑब्स्टिकल, जो एयरबॉर्न ऑब्स्टिकल आ रहा है या ग्राउंड ऑब्स्टिकल है, उस पर एक हाई लेजर बीम छोड़े जिससे उसके अंदर एक होल हो जाए, और होल होने की वजह से उसका बैलेंस आउट हो जाए, और बैलेंस आउट होते ही उस डायरेक्टली क्रैश हो जाए। पर जो हमारा काली प्रोग्राम है ये लेजर वेपन्स की थ्योरी से बिल्कुल ही अपोजिट है। इसका मेन काम है कि इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को एक लीनियर डायरेक्शन में छोड़े, और कोई भी एयरबॉर्न ऑब्स्टिकल है तो उसके जितने भी एवियोनिक्स इनपुट्स और हार्डवेयर हैं वो ओवर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहीं पर क्रैश हो जाए, और जब उसके एवियोनिक्स क्रैश हो जाएंगे और वहाँ पर एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिसिटी का करंट होगा तो मेन ऑब्स्टिकल जो है वो भी वर्क नहीं कर सकता और वो डायरेक्टली बैलेंस आउट होने की वजह से क्रैश हो जाएगा। अब बात करते हैं काली जो है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, काली की जो स्पीड है और जो रेंज है मैंने आपको बता दी, पर जो उसका इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कितना है? उसका इलेक्ट्रिक इम्पल्स है 40 गीगावाट का। यू इमेजिन ये कितना हाई इम्पल्स है, और कोई भी ऑब्स्टिकल्स की अगर बीम की चपेट में आता है तो उसका बचना नामुमकिन है। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो कुछ रिप्यूटेड डिफेंस वेबसाइट्स और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ के मैंने आपको दी है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कहीं पे भी खुलासा नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं हमारे काली के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। अब आप देखिए, ऑलमोस्ट काली के जो वेरियंट्स हैं वो अप्रॉक्स 5 to 7 है, पर जो उसके दो फ्लैगशिप वेरियंट्स हैं वो है काली 1000 और काली 5000। काली 1000 का जो वेट है वो है 10 टन्स का, और काली 5000 का वेट है 26 टन्स का। अब आप ये देखिए, जो इसका वेट है यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसका वेट इतना हैवी है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कॉस्टली होती है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो उसको हमें वॉर रेडी करना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका वेट जो है इसकी कैपेबिलिटीज पे एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा देता है। आने वाले फ्यूचर में जब हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं वो हो सकता है इस काली का वेट रिड्यूस करे और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको और ज़्यादा बढ़ाए। तो इस इम्पल्स को बढ़ाने के लिए हम लेते हैं हमारा फ्यूचर को सहारा, और हम ये सोचते हैं कि ये और कौन कौन से लॉन्च प्लेटफॉर्म्स पे आ सकता है। ये आर्मी के ट्रक्स पे आ सकता है, नेवल वॉरशिप्स पे इंडक्ट हो सकता है, और ये जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर भी इंडक्ट हो सकता है, बिकॉज नो वन नोज द फ्यूचर। और हमें पक्का पता है जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसको और कॉम्पैक्ट साइज और इसके वेट को और भी थोड़ा कम करने में लगे हुए हैं। अब बात आती है हमारे वीडियो के मेन ऑब्जेक्टिव पे, जो है ऑपरेशन वाइट वॉश। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, आई एम अगेन सेइंग इट, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये जो ऑपरेशन वाइट वॉश था ये काफ़ी ही सीक्रेट ऑपरेशन था। इसके अंदर सोर्सेज का ये कहना है कि जो भी हमारे एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट विंग में आए थे वो देश के अलग अलग कोने से आए थे, ताकि जो हमारे दुश्मन के सैटेलाइट्स हैं
वो इस एयरक्राफ्ट की एक्टिविटी को ट्रैक ना कर सकें और हमारे जो रडार मूवमेंट्स उनको भी ट्रैक ना कर सकें। तो सबसे पहली बात, जो हमारा मेन काली थाउजर था वो लोड हुआ IL-76 एयरक्राफ्ट के अंदर, और उस IL-76 एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल था वो प्रोवाइड कर रहा था हमारा IL-76 का ही अवॉक, और वो मोस्ट प्रोबेबली फैल्कन अवॉक होगा क्योंकि IL-76 के अंदर अभी तक कोई हमारा इंडियन एयरफोर्स में दूसरा अवॉक नहीं लगा है। तो जब उसका जो कनेक्शन था वो मेंटेन कर रहा था IL-76 अवॉक और हमारा IL-76 के अंदर ही काली थाउजेंड था, तो उस वेपन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे मिराज 2000 फाइटर्स उसको कवर प्रोवाइड कर रहे थे, और इस पूरी एरियल विंग को जो कॉम्बैट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था वो थे हमारे सुखोई 30 MKI इंटरसेप्टर फाइटर्स। तो धीरे 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 बढ़ते हुए ये एयरक्राफ्ट की जो विंग थी ये पहुंची सियाचिन ग्लेशियर पे, और जैसे ही हमारा IL-76 सियाचिन ग्लेशियर के रनवे पे लैंड हुआ तो उस टाइम पे इस ऑपरेशन को थम्स अप मिल गया था। जो ये ऑपरेशन था ये बेसिकली कंडक्ट इसीलिए हुआ था ताकि सियाचिन ग्लेशियर में जो भी पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इम्पैक्ट था उसको रोका जा सके और फ्यूचर में वो हमसे सियाचिन ग्लेशियर में ज़्यादा आगे ना बढ़ सके। तो इसी को करने के लिए हमारी रॉ एजेंसी ने आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन वाइट वॉश लॉन्च करा। जैसे ही IL-76 का बैक डोर ओपन हुआ, हमारा जो IL-76 का इंजन था उसने हमारे काली थाउजेंड को पावर देना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही उसने पावर देना स्टार्ट करा हमारा काली वेपन जो था वो एनर्जी से फुल हो चुका था, और उसने एक एक करके अपनी जो बीम्स थी उसको रिलीज कर दिया सियाचिन ग्लेशियर के जो हाईएस्ट माउंटेन था उसके टॉप पर। जैसे ही उसने धीरे धीरे बीम रिलीज करी, उस बीम से एक सुबह के 4 बजे एक आर्टिफिशियल सोलर रेडिएशन बननी शुरू हो गई, और वो सोलर रेडिएशन इतनी हाई थी कि 7 अप्रैल 2012 की 4 बजे सही सुबह के 4 बजे वहाँ पे एक बहुत ही हाई अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो गई, और हीट प्रोड्यूस होते ही वो बर्फ सीधे नीचे आके गिरने लगी। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो लोग कहते हैं कि नेचुरली ये एवलांच आया था, पर आपको बता दूं जो एवलांच आते हैं केवल और केवल दोपहर के टाइम पे आते हैं जब जो सन होता है अपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और उसकी गर्मी से बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट होती है। पर सुबह के 4 बजे कोई भी सन नहीं था तो उस टाइम बर्फ़ पिघलनी क्यों स्टार्ट हुई? तो इसी का ये जो मेन पॉइंट था ये था कि वहाँ पर काली 2000 का यूज़ हुआ था। जैसे ही वो बर्फ़ पिघलने लगी वो इतनी हाई स्पीड से आई कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो उस बर्फ़ की स्पीड थी वो थी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जैसे ही वो बर्फ़ आकर नीचे गिरी तो पाकिस्तान का पूरा जो बेस कैंप था वो नेस्तनाबूत हो गया, और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो पाकिस्तान ने कबूल करे हैं वो है 127 के अराउंड उनके सोल्जर्स की डेथ हुई है। और उस एवलांच आने के बाद वहाँ पे 80 फीट लंबी बर्फ़ की चादर बिछ गई थी, और उस चादर के अंदर पाकिस्तान का पूरा बेस कैंप दब गया था और उनके 127 अराउंड सोल्जर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। मुझे जो लगता है कि जो भारत है ये ऐसा देश नहीं है जो डायरेक्टली इतने ज़्यादा सोल्जर्स पर अटैक करे, पर हो सकता है कि वहाँ पर उस टाइम पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था तो हमने ऑपरेशन वाइट वॉश को स्टार्ट करा और उसको फाइनली सक्सेसफुल भी हुए। पर आप ये राय क्या है हमारे देश के बारे में और ऑपरेशन वाइट वॉश से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब बात आती है 2014 में जब पार्लियामेंट ने काली 5000 प्रोग्राम के बारे में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो उनका रिप्लाई क्या था? उस टाइम पे मनोहर पारिकर का रिप्लाई था कि काली प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन रिलीज करना देश हित में नहीं है। तो इससे आप समझिए जो उन्होंने ये वर्ड कहे इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर ये है कि काली प्रोग्राम जो है वो देश के अंदर बन रहा है और वो सक्सेसफुल है। तो जब देश के अंदर वो बन रहा है और वो सक्सेसफुल है तो उसके यूनिट्स कितनी होंगी? अगर आप देखिए गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं करी है। मेरे अकॉर्डिंग में वो 5-10 यूनिट्स ऑफ काली जो है वो अभी तक हमारे वर्किंग में है, पर जैसा कि इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं किया तो हम इसके बारे में कोई भी लंबा बयान नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करिए, और हमारे 20 लाइक्स का जो टारगेट था उसको पूरा जरूर करिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनमें प्लीज़ इस वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ऑपरेशन वाइट वॉश और हमारे काली प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।